हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शारजा रमजान T20 की सेकंड सेमीफाइनल मैच की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर सेवन डिस्ट्रिक्ट्स वर्सेस कोलकाता चॉकलेट्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नज़र कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच के, इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर KCA T20 यानी कि केरला T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और साथ ही में यहाँ पर सेंट लुशिया T10 है रात को 12 बजे, उसके मैचेस के वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर IPL भी हम लोग कवर करें, तो ये सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल टीम और फाइनल अपडेट इस मैच की और आगे भी आने वाली जितने भी मैचेस है, ये सारे मैचेस के अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है, तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच रात को 10 बजे शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। अभी देखो दोनों ही टीम अभी तक का इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा। SVD की बात करो तो पिछली सीजन के अंदर यानी कि अभी जो इस टूर्नामेंट से पहले जो टूर्नामेंट खेली गई थी ना, वहाँ पर वो फाइनलिस्ट थी, आई थिंक यहाँ से शायद जीती भी थी, कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन फाइनल में वो खेली थी इतना पक्का मालूम है मुझे। बाकी कोलकाता चॉकलेट्स अभी तक एक भी मैच नहीं हारी इस टूर्नामेंट के अंदर, और SVD भी एक भी मैच नहीं हारी इस टूर्नामेंट के अंदर। मजे की बात क्या है ना कि इसी ग्राउंड के ऊपर कोलकाता चॉकलेट्स ने अपनी सेकंड मैच के अंदर 300 रन बनाए थे, और SVD भी आज से काफ़ी अच्छा कर रही है, तो एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। दोनों में से कोई भी टीम पहले बैटिंग करवा ली, मैंने ऐसे 140 प्लस मेंशन किया है, लेकिन आई थिंक यहाँ पर एक बिग स्कोर देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ से 170-180 के प्लस तो बनना चाहिए, चेजिंग में यहाँ से लगभग इक्वली आंकड़े, और वैसे भी दोनों ही टीम यहाँ पर स्ट्रांग है, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि कौन जीतेगा। जैसे कि कल मैंने बता दिया था आपको कि FM जीतेगी। SVD ने 4 मैच खेली है और चारों ही मैच जीती है। ओपनिंग में मोहम्मद इरफान और जुनेद खान आफरीदी दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। अभी देखो इरफान की बात करूँ तो इरफान कंसिस्टेंट परफॉर्मर है यहाँ पर भी और इसके पहले वाली टूर्नामेंट के अंदर भी, तो ज़्यादातर पब्लिक की चॉइस रहेगी इनके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की, और आप लोग चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते, वैसे सेफ है। और आज की मैच के लिए एक और ऑप्शन भी है, रंजीत मैनी, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन मोहम्मद इरफान कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी आपके लिए, इनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। जुनेद खान आफरीदी ने पहले दोनों मैच के अंदर ठीक ठाक स्कोर किए, ऐसे 22 किए 34 किए, लास्ट मैच के अंदर 5 रन बना पाए, और वैसे कंसिस्टेंट यहाँ से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर कोई चॉइस नहीं मिलती तो आप लोग जुनेद खान आफरीदी के ऊपर भरोसा कर सकते हो। मोहम्मद हैदर के बारे में मैंने पहली मैच के अंदर ही बताया था, जब मैंने पहली मैच का वीडियो बनाया था कि ये शुरुआत की लीग मैच होती है ना, वहाँ पर ये वॉश नहीं करवाते, लेकिन जब बात नॉकआउट की आती है यानी कि सेमीफाइनल फाइनल जैसी मैच जब आती है ना, तब यहाँ से ये भाई साहब ओवर्स करवाते हैं, पक्का ओवर्स करवाते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ये ओवर्स करवाता है तब यहाँ पर विकेट जरूर निकालता है, और अभी तो बैटिंग से भी वन डाउन खेल रहे हैं, तो ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड बनेगा। इस प्लेयर को आप लोग अपनी टीम के अंदर शामिल कर सकते हो, ऑलराउंडर सेक्शन में दिखे गए आपको। बात करते हैं अताउर रहीम की, अताउर रहीम ने पहली मैच के अंदर 22 किए, फिर 37 किए, लास्ट मैच के अंदर 7 रन ही किए, और ये बंदा भी आपके लिए ट्रम्प कार्ड बन सकता है। इस प्लेयर को डिफरेंस लेवल में आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आज की मैच के लिए ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बैटिंग से ऑलराउंडर सेक्शन से बॉलिंग सेक्शन से सारी ही पोजीशन पे आपको अच्छे प्लेयर्स मिलने वाले हैं। बाकी प्लेयर अच्छा है, भरोसा कर सकते हो। रईस अहमद अयान ने इस टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी निराश किया, सेकंड लास्ट मैच के अंदर यहाँ से 31 रन जरूर किए, लेकिन इसके अलावा पूरी टूर्नामेंट के अंदर कुछ किया नहीं है, थोड़े से रिस्की रहेंगे तो आप लोग रिस्की तौर पर ही इनको ट्राई करिएगा। हफीज़ अलमास लास्ट मैच के अंदर 35 रन की पारी खेली, और इसके पहले इनकी बैटिंग नहीं आई थी। वैसे ओवरऑल प्लेयर ज़बरदस्त है, अगर ओवर्स करवाएगा तो यहाँ से विकेट भी चटकाएगा, रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इवन स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। फरमान अली काफ़ी नीचे खेलते हैं तो इनको लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, हालांकि इन्होंने सेकंड लास्ट मैच के अंदर थोड़ा सा ऊपर बैटिंग किया था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फरमान खान वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, विकेट टेकर गेंदबाज है, रिसेंटली फॉर्म भाई साहब का जबरदस्त है, लेके जाएंगे। विक्रम संजय वेरी इंपॉर्टेंट पिक। अभी एक और ट्रम्प कार्ड रहेगा हमारे लिए, और वो ही यहाँ पर सिमरनजीत सिंह कांग,
देखो आप लोग इनको लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मेरी टीम का हिस्सा ये 100% रहेगा। इवन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ग्रैंड लीग वगैरह खेलते हो ना तो इस प्लेयर को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, ध्यान जरूर रखिएगा। विकेट टेकर गेंदबाज है, पिछले टूर्नामेंट के अंदर देख सकते हो और इससे पहले भी जितने भी आंकड़े ऐसे 70 मैच के अंदर 93 विकेट है। लेफ्टा मोटाडो गेंदबाज है और हमेशा विकेट्स निकालता है, हालांकि शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही इनकी, तो आज शायद लाइन में हो गया नहीं होंगे वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अगर होंगे तो पक्का ये हमारी टीम के अंदर होंगे। हैदर अली वेरी इंपॉर्टेंट पिक, कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो कर सकते हो भाई, 2 विकेट 4 विकेट तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा एज अ प्लेयर, तो है कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आएंगे यहाँ पर हैदर अली के साथ फरमान खान, डेथ हो उसमें पर मोहम्मद हैदर के साथ फरमान खान डेथ में आएंगे। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि फाइनल टीम और अपडेट वगैरह वहीं पर मिलने वाली है। कोलाटा चॉकलेट्स ने 4 मैच खेले, 4 मैच जीती है और जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी सेकंड मैच के अंदर 300 रन किए थे, तो इनका जो मतलब कॉन्फिडेंस है ना वो हाई है इस टूर्नामेंट के अंदर के भाई साहब, हमने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। ओपनिंग में शकीर हैदर जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे लिए परफेक्ट चॉइस है, 48 59 49 वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। रंजीत मणि कैप्टन की चॉइस है, सीधी कैप्टन की चॉइस। आज हमारे लिए पास 2 ऑप्शंस हैं, एक रंजीत मणि है और सामने मोहम्मद इरफान है, दोनों ही यहाँ पर कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, दोनों ही ने इस टूर्नामेंट के अंदर सेंचुरी लगाई है, 50 लगाई है, तो और विकेट्स के मामले में ऐसे रंजीत मणि वेरी इंपॉर्टेंट पिक। यान सेफ कैप्टन की चॉइस तो ऐसे रंजीत मणि है, बाकी जो लोग रोटेट वगैरह हम लोग आगे बात करेंगे, बाकी रंजीत मणि वेरी इंपॉर्टेंट पिक। इनके अलावा मज़हर हुसैन लास्ट मैच के अंदर वन डाउन खेले और वन डाउन खेलेंगे तो आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते, बैटिंग तगड़ी करवा लेता है, हालांकि शुरुआत में काफ़ी नीचे खेलते थे, लास्ट मैच के अंदर बंदा टॉप में खेला और जैसे ही टॉप में खेला 43, तो वैसे ही बात है इनका, बैटिंग से जब भी ऊपर खेलते हैं तब बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, तो आप लोग ग्रैंड लीग वगैरह में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते, बाकी एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। लक्ष्मण श्री कुमार थोड़े से रिस्क रहेंगे क्योंकि रिसेंटली फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, तो अगर कोई चॉइस नहीं मिली तो ट्राई करेगा, बाकी जुनेद शमसुद्दीन को जरूर ट्राई कर सकते हो। वैसे आपको क्या करना है ना, आपको इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना है, या तो आप लोग लक्ष्मण श्री कुमार को ले लो या फिर आप लोग ऐसे जुनेद शमसुद्दीन, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। विभो शाही ओके ओके रहेंगे और अखिल दास को आप लोग रिस्क के तौर पर ग्रैंड लीग में ही ट्राई करोगे। उज़ैर हैदर के ओवरऑल रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, बाकी अभी के लिए इनको लेने की ज़रूरत लग नहीं रही मुझे स्मॉल लीग के अंदर, क्योंकि इनको लेने के लिए किसी बड़े प्लेयर को छोड़ना पड़ सकता है जो कि वेरी रिस्की रहेगा। बाकी ओवरऑल आंकड़े वगैरह मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, अगर आप लोग चाहो तो इनको ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो। गोपाल कुमार वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाऊंगे। बाकी मनप्रीत सिंह ने लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाली भाई, इस प्लेयर को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भाई साहब ने बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करवा लेता, हालांकि पिछले 2 दिन टूर्नामेंट के अंदर बैटिंग से कुछ खास नहीं किया है, ओवरऑल करीबन 45 की एवरेज है, मैंने इनको देखा हुआ है भाई 70 80 90 की पारी खेलते हुए, आप लोग ट्राई कर सकते हो इनको एज अ प्लेयर लेके जा सकते हो, हालांकि इनको लेके जाना थोड़ा सा रिस्की है। कृष्णा पॉल भी ओवर्स वगैरह नहीं करवा रहे ज़्यादातर, तो ये भी थोड़े से रिस्की है, बाकी मनप्रीत सिंह को आप लोग ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग में मनप्रीत सिंह है, लक्ष्मण श्री कुमार है, डेथ ओवर्स में अपर मज़हर हुसैन, रंजीत मणि, बाकी बेंच से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि अपडेट वगैरह आपको वहीं पर मिलने वाली। इंपॉर्टेंस कौन रहेगा, एक ऐसे तैमूर अली है, थोड़े से रिस्की रहेंगे लेकिन ट्राई कर सकते हो, अलमिन तो काफ़ी रिस्की रहेंगे। यहाँ पर बात करें केशव शर्मा, एक ही मैच खेले थे और एक ही मैच जो खेले थे वहाँ हमारे वाइस कैप्टन थे और आगे भी अगर खेलते तो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, बाकी देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भाई कौन जीतेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं लगभग 90% मुझे चांस लग रहा है SVD के ऊपर, क्योंकि SVD का बॉलिंग अटैक काफ़ी तगड़ा है, प्लस ऐसे बैटिंग लाइनअप में भी इनके पास ऑप्शंस है। और जहां पर बात करूँ कोलाटा चॉकलेट्स की, तो ये एक दो प्लेयर के ऊपर ही टिकी हुई टीम है क्योंकि आउट ऑफ मतलब कि ज़्यादातर परफॉर्मर यानी कि ज़्यादातर प्लेयर्स यहाँ पर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से सबके रहे बेस्ट पिक है, फरमान अली रिस्की रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में रंजीत मणि मोहम्मद इरफान दोनों रहेंगे। बाकी आप लोग जुनैद खान आफरीदी को ट्राई कर सकते हो, दो लोग अदर एप्लीकेशन में खेलते हैं उनके लिए जुनैद खान आफरीदी बेस्ट पिक है, तो ये तीनों प्लेयर आपकी टीम के अंदर हो जाएंगे अदर एप्लीकेशन के लिए। ऑलराउंडर सेक्शन में मोहम्मद हैदर और गोपाल कुमार गोपाल कृष्ण को लिया है, बाकी आप लोग मोहम्मद हैदर की जगह पर उतावर को भी ले सकते हो, लेकिन हैदर वन डाउन खेला था लास्ट मैच के अंदर और ओवर्स भी करवाई थी, ओवर्स करवाई थी इसके लिए मैंने इनको लिया है क्योंकि अगर ओवर्स करवाएगा तो पक्का विकेट निकालेगा। बाकी गोपाल कुमार बेस्ट ऑप्शन है और जो लोग ग्रैंड लीग वगैरह खेलते हैं इनके लिए यहाँ पर एक तो रईस अहमद है और जुनैद शमसुद्दीन, खास करके जुनैद शमसुद्दीन को जरूर ट्राई करेगा। जो लोग मोहम्मद हैदर को लेना नहीं चाहते ना, इनके लिए मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा जुनैद शमसुद्दीन को, क्योंकि भाई साहब बैटिंग बॉलिंग दोनों ही से आपको अच्छा खासा एडवांटेज दे सकते हैं।
बॉलिंग सेक्शन में हैदर अली हैं, फरमान खान है, विक्रम भंडारा संजया है, इनके अलावा से मजहर हुसैन है, सिमरनजीत सिंह कांग, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, इस प्लेयर के ऊपर मैं पक्का रिस्क लूँगा। इवन मैंने आपको सजेस्ट भी दिया कि ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। बाकी मनप्रीत सिंह भी थोड़े से रिस्की है, लेकिन मैंने इनको ले लिया। तो ये दोनों प्लेयर को आप अगर नहीं लेना चाहते तो मत लेना, और इसकी जगह पर किसी और प्लेयर को ले सकते हो। टीम कुछ इस तरह से रहेगी, रंजीत मैनी कैप्टन, वाइस कैप्टन इरफान रहेंगे, और आई थिंक इनसे बेहतर चॉइस शायद ही मिलेगी आपको स्मॉल लीग के लिए, तो इन दोनों के करिएगा। बाकी ग्रैंड लीग में कुछ ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ। एक तो मैंने सिमरनजीत सिंह कांग के बारे में तो बताया, बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन ये भाई साहब जब विकेट निकालते हैं ना, 4-5 निकाल लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। हैदर अली है, बेस्ट पिक है कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए, विक्रम भंडारा है और मजहर हुसैन, इन तीनों प्लेयर को आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, इसमें कुछ बदलाव वगैरह देखने को मिल सकते हैं। फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। मिलते हम लोग अगली वीडियो में, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।